नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। आज किस वीडियो में हम एक न्यू सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जो कि आजकल बहुत फैशन में है। तो दोस्तों, इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी है बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा 2.25 मीटर है, ठीक है। 2.25 मीटर हमारा कपड़ा है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके बिछा रखा है। देखिए, सारे कपड़े को आपको डबल कर लेना है। आपका 2.25 मीटर जितना भी कपड़ा हो, इस तरीके से डबल आपको कर लेना है, ठीक है। डबल करने के बाद आपको इस तरीके से इस कपड़े को आपने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से किनारे मिलाते हुए, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। किनारी बिल्कुल बराबर कर लें, अच्छे से इसको बिठा लें कपड़े को। तो देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से बिठा लिया। बंद वाली साइड हमारी तरफ है, और ये देखिए किनारी वाली जो साइड है हमारी आगे की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बिछा लेना है। ये देखिए, ऊपर की तरफ हमारा ओपन साइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारी कान वगैरह है कपड़े में, आड़ा टेढ़ा आपका कपड़ा है, इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, कपड़ा सीधा कर लेंगे सबसे पहले हम। तो देखिए, कपड़ा हमने सीधा कर लिया है। अब आपको देखिए, सबसे पहले नाप हम समझा देते हैं। नाप क्या है इसका, सलवार का। सलवार की लंबाई 36 है, कमर हमारी 30 इंच है, हिप का नाप हमारा 34 इंच है, और मोरी हम 6 इंच रखेंगे, ठीक है। ये हमारा तैयार नाप है। देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर की साइड से निशान लगाना है 2.25 इंच का। 2 या 2.25 इंच का निशान आप लगा लें, इसको सीधा कर लें। ये निशान हमने इलास्टिक के लिए लगाया है। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, और इसमें हमें इलास्टिक डालनी है सलवार में। तो ये 2.25 इंच का निशान हमने इसलिए लगाया है। तो अब 2.25 इंच के निशान से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए इस तरीके से हमें अपनी सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई हो, तो हमारी 36 इंच है। 36 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपको स्केल की मदद से निशान को सीधा कर लेना है। तो देखिए, बीच की लंबाई जो हमारी है 36 इंच है सलवार की, यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अपने सलवार का पोंचा ले लेना है। जितना भी चौड़ा आपने पोंचा बनाना है, तो हम 1.5 इंच का पोंचा बनाएंगे। तो हमने पट्टी कटिंग की हुई है, आपको 2.25 इंच का बनाना है, उस हिसाब से आप कर लें। अब देखिए, इसको लंबाई के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और बिल्कुल बराबर निशान लगाएंगे, और एक निशान आपको 1/2 इंच दूरी पे और लगाना है इस तरीके से, ठीक है। 1/2 इंच दूरी पे, तो इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस निशान को। तो हमने ये निशान सीधा कर लिया है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सलवार का जो आपका पोंचा है वो 6 इंच है, तो यहाँ से 6 इंच का निशान लगाएंगे। पहले आपको 6 इंच का निशान लगाना है, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा निशान और लगाना है, ठीक है। तो ये निशान हमारा सलवार के पोंचे का हो गया है। अब देखिए, आपको यहाँ से आसन ले लेना है। तो आसन आपको किस हिसाब से निकालना है, तो हमारी जो हिप है वो 34 इंच है, तो 34 का जो हम करेंगे 1/4 इंसा करेंगे, तो वो हमारा 8.5 हो गया है। तो 8.5 इंच में हम 4 इंच जमा करेंगे, तो वो हमारा 12.5 इंच, ये आसन हमारा निकल के आ गया है। तो आपको 12.5 इंच आसन ले लेना है, ठीक है। अगर आपका नाप थोड़ा हैवी है, ये मीडियम नाप है, अगर आपका हैवी नाप है, तो आप इसको 1/4 इंसा करने के बाद उसमें 5 इंच जमा कर लेंगे, ठीक है। तो इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। तो निशान सीधा करने के बाद अब देखिए, यहाँ से किनारी वाली साइड से 3 इंच का निशान आपको लगाना है इस तरीके से, और इस निशान को ऊपर तक सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, आपको गोलाई दे देनी है आसन की इस तरीके से। तो ये हमारी आसन की गोलाई हो गई है। तो अब आपको देखिए क्या करना है, इस तरीके से शेप फट्टी लेनी है, और देखिए बाहर की तरफ रखना है शेप फट्टी को, निशान हमारा अंदर की तरफ है। यहाँ पर रखते हुए निशान लगा देना है इस तरीके से, जितना भी आपका पोंचे का निशान है वहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में कर देंगे हल्का सा इस तरीके से। तो ये हमने निशान लगा दिया है। अब आपको इस निशान के ऊपर इसको कटिंग कर देना है।
इस तरीके से क्रॉस में इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से कटिंग करने के बाद अब आपको ऊपर से अपनी आसन की जो है गोलाई कटिंग कर देनी है। यहाँ से इस तरीके से गोलाई कटिंग कर लेंगे आसन की, एक कट लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, और नीचे की तरफ भी आपको इस तरीके से कट लगा लेना है। इतना हम फोल्ड करेंगे, इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये क्रॉस में हमने इसलिए कटिंग किया है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ से कम ना रह जाए, क्रॉस में कटिंग करते हैं तो बिल्कुल एकदम सेट आ जाता है हमारा ये। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसको खोल लेना है। ये हमारे दो पार्ट हैं, एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस एक पार्ट को साइड में रख देंगे, पहले हम एक पार्ट को तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको बुकरम रखनी है, नीचे जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ पे रखते हुए बिल्कुल लंबाई के ऊपर यहाँ पे इसको सेट करना है इस तरीके से। तो चलिए, ये हम आपको मशीन पे बताएंगे किस तरीके से इसको लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे कट पे हमारी लंबाई तैयार है, तो जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाया था उसको हम इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे कपड़े को, और सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये बुकरम आपको सलवार की उल्टी साइड में लगानी है, ठीक है। तो ये हमने उल्टी साइड में लगाई है इस तरीके से, देखिए सिलाई हमने लगा दी। अब इसको एक बार हमें और फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी बाहर की तरफ सीधी साइड है ये वाली, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पे इसको रखने के बाद इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे आपको किनारे की सिलाई लगा देनी है। इसको बुकरम को आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से बुकरम हमारी फिक्स हो गई है। ये सीधा करके दिखा देता हूँ, ये वाली साइड हमारी सीधी साइड है, ठीक है। बुकरम हमने उल्टी साइड में लगाई है। तो इस तरीके से देख करने के बाद आपको एक सिलाई किनारी पे लगानी है। पहले किनारी पे आपको सिलाई चला लेनी है। अब देखिए, आपकी इच्छा है, जो भी आपको इसमें पोंचा बनाना है, डिजाइन आपको जो भी बनाना है आप अपने हिसाब से बना लें। तो मैं इसमें अपने हिसाब से पोंचा बना लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से किसी भी तरह का आप पोंचा अपना बना लें। तो देखिए, सलवार का पोंचा जो है मैंने बना दिया है। तो इस सलवार के पोंचे को बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा एक पार्ट है, तो आपको अभी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है बाद में कटिंग कर लेना है इस तरीके से। जो हमारी बुकरम है एक्स्ट्रा है, इसको कट कर लेंगे, इसको दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सलवार का आपका पोंचा जितना भी है निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलाई निकाल देनी है, ठीक है। आपको ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है, और जो दूसरा हमारा पार्ट है उसको भी हमने सेम तैयार किया हुआ है। इसी तरीके से दोनों पार्ट आप तैयार कर लें। तो अब हमें इसके आसन जोड़ देने हैं, सिंपल, कुछ नहीं करने इसमें। अब इस तरीके से आसन जोड़ देंगे, यहाँ से इस तरीके से दोनों के आसन मिलाएंगे, और आपको ये अंदर की सिलाई डबल सिलाई लगा देनी है आपको ये। इस तरीके से आसन की सिलाई आप मार लें। तो देखिए, आसन की सिलाई हमने लगा ली है, तो हमारा ये इस तरीके से देखिए तैयार हो जाएगा। आसन की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे, और ये सलवार देखिए हमारी यहाँ तक बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से आपकी सलवार बन गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये सलवार यहाँ तक बन गई है, बिल्कुल नॉर्मल सलवार होती है ये। तो देखिए, अब हम इसमें अंदर की तरफ इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक किस तरीके से डालनी है, तो चलिए मशीन पे। तो देखिए, हमने इलास्टिक ली है, इलास्टिक जो हमारी है वो हमें कितनी कट करनी है, 30 इंच हमारी कमर है, तो आपको इलास्टिक 4 या 5 इंच कम कटिंग कर लेनी है। तो 30 इंच कमर है, तो मैं इसको 4 इंच कम कटिंग करूँगा, तो तकरीबन देखिए मैं यहाँ पे इसको 26 इंच कटिंग कर दूंगा।
आप अपने हिसाब से जितनी लूजिंग डालना चाहें उस हिसाब से, 4 या 5 इंच, बस इससे ज़्यादा ना कटिंग करें इसको। तो 4 इंच कम कटिंग करने के बाद आपको लास्टिक में जोड़ लगा देना है इस तरीके से। पहले जोड़ लगा लें आप लास्टिक में इस तरीके से, देखिए जोड़ हमने इसमें लगा लिया है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे जो हमने ये 2.25 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से इस पर रखेंगे और आपको सलवार में लास्टिक डाल देनी है। इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इलास्टिक को बराबर बीच में रखते हुए बिल्कुल सिलाई लगाते रहेंगे। इस तरीके से पूरी सलवार में हमें इस तरीके से इलास्टिक को डाल देना है। देखिए जहाँ पे भी आपकी इलास्टिक कम पड़ती है इस तरीके से आपको खींच लेना है, क्योंकि इलास्टिक कम होती है तो घेर जो है सलवार का थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इलास्टिक इस तरीके से खींच खींच के आपको पूरी कर लेनी है। आराम से आपकी ये पूरी आ जाएगी। इस तरीके से आपको डाल देनी है। तो देखिए इलास्टिक हमने डाल दी है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको खींच लेंगे। इस तरीके से देखिए ये जो हमारे चुन्नट है ना, इनको बराबर कर लेंगे इक्वल इस तरीके से। 4-5 बार इसको अच्छी तरीके से खींचे। बराबर होने के बाद ये देखिए बिल्कुल हमने इसमें बराबर कर लिए, चारों तरफ हमारे बिल्कुल बराबर हैं। बराबर करने के बाद आपको इसके अंदर सेंटर में सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको कैसे लगानी है, इस तरीके से इसको रखना है, यहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरीके से आपको खींच के सिलाई लगानी है। पहले खींचना है और फिर इस पे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। प्लेट के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, इस तरीके से प्लेन करते हुए इसके ऊपर आपको सिलाई चलानी है। तो आपको पूरी सलवार में इसमें आप इलास्टिक डाल दें। तो देखिए इलास्टिक हमने डाल दी है और ये सलवार जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस तरह की सलवार जो है आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो देखिए बिल्कुल प्यारी सलवार बनी है हमारी। इस तरीके से आप सलवार बनाएं, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।